अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बीमारों को शफाई कामला अता फ़रमाए और मुश्किल हालों की मुश्किल को दूर फरमाए। तो जनाब, मैंने आपसे आज वादा किया था कि जब मेरे बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो मैं आपसे उन्हें मिलवाऊँगी। और ये मेरी दो नन्ही परियाँ स्कूल से आ चुकी हैं। इनमें से ये मेरी बड़ी बेटी हैं, हुरिया से अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम एंड दिस इज़ इंशा वालेकुम। जी। और तीसरी बेटी मेरी सो रही है क्योंकि लंच करके वो थक गई थी और वो सो चुकी है। तो आज मैं आपसे ये बात शेयर करूँगी कि मैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए कैसे उनकी मतलब तरबियत करती हूँ और कौन कौन से तरीके अख्तियार करती हूँ। मैंने इनको मनी सेविंग का सबसे पहले तरीका सिखाने की कोशिश की है। पहले इनको हर चीज़ हम प्रोवाइड करते थे, ला के देते थे, लेकिन इनको पैसे की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था कि पैसा क्या है, कैसे कमाया जाता है। तो इसलिए मैंने इनको मंथ की पॉकेट मनी देना शुरू की है। और स्टार्ट में तो उन्होंने बहुत खर्च किए, मैंने बड़े सब्र से इस चीज़ को बर्दाश्त किया कि इन्हें कुछ सिखाना है। और अब आके इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट का पता चला और ये पैसे को हर मंथ में अपने सेव बचाती हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने सेकेंड लास्ट मंथ में अपनी पॉकेट मनी से जो पैसे बचाए हैं उसमें से इन्होंने अपने ही लिए अपने टॉयस ख़रीदे हैं। और ये डॉल उन्होंने अपनी, ये देखें, ख़रीदी है। ये अपनी इन्होंने जो पॉकेट मनी अपनी बचाई थी उसमें से, और इस मंथ में इन्होंने जो अपनी पॉकेट मनी बचाई है वो अपनी इस मनी बॉक्स में रखेंगी। ये इनका एक प्यारा सा मनी बॉक्स है। और इनकी जो पॉकेट मनी बचती है मतलब महीने के एंड में, वो पैसे ये अपनी इस पॉकेट मनी बॉक्स में डाल देते हैं। ये देखें जी, अब ये हूरिया अपनी पॉकेट मनी के सारे पैसे इसमें डालेगी। ये बड़े मज़े का एक मनी बॉक्स है, डिजिटल मनी बॉक्स है। और इसका इसमें इन्हें मतलब इसका कोड वर्ड भी इन्हें ही मालूम है, ये हमें बताती नहीं है क्योंकि इन्हें ये डर होता है कि हम पैसे इसमें से निकाल ना लें। ये देखें, ये पैसे इसमें से डाल रही हैं। जल्दी जल्दी करें बेटा, अब इंशा की बारी है। इंशा ने अपनी पॉकेट मनी के पैसे इसमें डालने हैं। इंशा चलें, अब आप डालें अपनी पॉकेट मनी के पैसे जो बचे हैं इसमें से। फिर हम इसमें आपको खोल के दिखाएंगे कि इनके पॉकेट मनी के कितने पैसे इसमें जमा हुए हैं। इनसे बड़ा प्यारा सा हेलो किटी बना हुआ है। ये हूरिया को हमने इसकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और ये बड़े अच्छे तरीके से इसमें अपनी मनी सेव करती हैं और मंथ के लास्ट में जी जी इन्होंने अपने सारे पैसे इसमें डाल चुकी हैं। अब ये आपको खोल के दिखाएंगी। पुरिया, मुझे कोड वर्क बता दो अपना क्या है, नहीं बता दो यार। ये देखें, ये अपना मनी, ये अपना कोड वर्क नहीं बता रही हैं। ये 4 डिजिट्स का कोड होता है और ये अब खुलेगा। वाओ, ज़रा पैसे निकालो पुरिया, कितने बने हैं। ये इनकी 2 मंथ्स की कमाई है। किसी मंथ में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं और किसी मंथ में पैसे कम होते हैं। ये इनकी 2 मंथ्स की कमाई है और अभी ये नहीं निकलेंगे, ये ईद पे हम इसको खोलेंगे। और फिर इन्हीं पैसों से इन्होंने जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेंगे और उनको देंगे ये, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस जी जी चले वापस रख दें। आप भी अपने बच्चों को ऐसा ही सिखाएं। एक छोटी सी कोशिश है कि बच्चों को पता चले कि कैसे बच्चों ने कैसे मतलब पैसों को सेव करना है। और ईद पे जो ईद आ रही है इसमें जो लोग न्यू कपड़े नहीं ले सकते या जो मतलब अच्छी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, टॉयज़ नहीं ले सकते, उनको बच्चे अपनी ही पॉकेट मनी से ख़रीदे हुए चीज़ें लेकर दें। इससे एक हकीकी खुशी मिलती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी आपको बातें बताएंगे, शेयर करेंगे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी बच्चों की तबीयत के बारे में। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस दुनिया में जितनी बेटियां हैं अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और मेरी भी बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। एंड से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।